दानिश तैमूर पाकिस्तानी ड्रामास और फिल्म्स के वन ऑफ द गुड लुकिंग एंड टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ड्रामास के साथ साथ जलेबी, वजूद, मेहरुनिसा वी लव यू और रॉन्ग नंबर वन जैसी फिल्म्स भी हैं। दानिश तैमूर ने अपने करियर में हमेशा अपने फैंस को कैरेक्टर्स की वैरायटी दी है। उनका ड्रामा जांबाज भी आजकल ऑन एयर है, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जबकि वो जल्द ही नजर आएंगे एक नए ड्रामा दीवानगी में, जिसमें उनके मुकाबले हैं हिबा बुखारी, जबकि ये जल्द जियो एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर होगा। रिसेंटली जियो ने ड्रामा की फर्स्ट लुक जारी की एंड इट लुक्स रियली गुड। इस नए ड्रामा के बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया दानिश तैमूर से, जिन्होंने हमसे शेयर की दीवानगी की सम एक्सक्लूसिव डिटेल्स। इट्स डायरेक्टेड बाय ज़ीशान अहमद। उन्होंने काफी सारे अच्छे अच्छे सीरियल्स जो हैं वो डायरेक्ट किए हुए हैं। रिसेंटली उनका कमज़र्फ एक सीरियल चला था, the highest TRPs thing on the room. As far as this particular project is concerned, the content is really good. Bada different hai. Main negative bhi hoon, positive bhi hoon. Audience pe choda hai maine ki wo kya decide karte hain ki aisa aadmi negative hona chahiye ya ye positive hai. Hiba Bukhari mere saath hain. Phir Nasir Azim saab jo ek bade famous writer hain, unki beti hain Zoya Nasir. Isme mere saath Ali Abbas hain. Waseem Abbas aapke bete Ali Abbas bahut hi acha actor hai. Seven Sky ka jo क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, स्पेशली अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला कादवानी और असद भाई असद कुरैशी, ये दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि इनको एग्जैक्टली मतलब मुझे लगता है कि पता होता है कि यार कौन सा कंटेंट जो है उसमें अच्छा चले जाना है और हमें कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होना चाहिए। तो मुझे वो लगता है कि वो उसमें मास्टर हो गए हैं दोनों। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि सेवन स्काई के जितने भी इस वक्त सॉफ्टवेयर चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे सुपर हिट जा रहे हैं। मैं कभी ये सोच के तो ड्रामा करता नहीं हूँ कि यार मेरा कोई ड्रामा अच्छा ना जाए। मैं ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए ही प्रोजेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेंट लेकर आता हूँ। वो अब देख खुदा क्या करता है हो, या मेरा रब बारिश हो, या अभी मैंने रिसेंटली अपनी एक सीरीज की थी जांबाज के नाम से, ये सारे एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। बस मेरा मोटो यही होता है कि ऑडियंस जो है एट द एंड ऑफ द डे अगर एक घंटा मुझे देख रही है तो वो कहीं बोर ना हो। थैंक यू सो मच दानिश तैमूर। जैसा कि दानिश ने बताया कि वो इस ड्रामा में एक मुश्किल किरदार निभा रहे हैं, तो उनको इस तरह के रोल में देखना हमारे लिए भी होगा काफी फ्रेश एक्सपीरियंस। दीवानगी की ऑन एयर डेट अभी जाहिर नहीं की गई, लेकिन आने वाले दिनों में इस इम्पोर्टेंट ड्रामा के बारे में मजीद डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।